Hi guys, welcome to my channel Simple Beauty Secrets. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मजे की टिप्स आलू को भी पील ऑफ करके इसका जूस निकालेंगे। आलू के बारे में कॉमन परसेप्शन यही है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च है, फ्रेश टोमेटो ही यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फ्रोज़न टोमेटो के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। टोमेटो के भी स्किन बहुत ज़्यादा करके आपने कॉटन की मदद से इसको अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर। रोज सोने से पहले आधा घंटा या अगर आप घंटे के लिए निकाल सकते हैं तो बहुत जिससे 1 वीक के अंदर ही आपकी स्किन मिल्की वाइट हो जाएगी। बस आपने एक फ्रेश टोमेटो का पीस कट करना है और इसके ऊपर पाउडर शुगर डालनी है और उसको इसी तरह से अपने हैंड पे जैसे मैं कर रही हूँ उसको कुछ देर आपने लगा रहने देना है। उसके बाद इसको वॉश कर देना है। ये बहुत ही ईजी रेमेडी है जो कि आप खाना बनाते हुए ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं लेकिन टमाटर एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है।
घर पे भी बना सकते हैं चावलों को पीसकर, और इसके अंदर डालेंगे दूध। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे और इसको अपने पैन पर अप्लाई करेंगे। आधे घंटे तक लगा रहने दें और उसके बाद ये ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी देने में अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करती है और आपकी स्किन को भी इसी तरह से सूट करे। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी करती है मेरी स्किन को और साथ ही साथ ब्राइटन और लाइटन भी करती है। मेरी स्किन मिल्की वाइट सिर्फ इसी रेमेडी की वजह से है। इस रेमेडी को आपने बस एक हफ्ते तक इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप रिजल्ट देख के खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी स्किन कितनी मिल्की वाइट हो चुकी होगी। गर्मियाँ आ चुकी हैं और अगर आपको टैनिंग की शिकायत है तो ये ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा मेरे साथ। अभी के लिए बाय बाय। घर जाएगा तो आप इस फेस पैक को घर पर जरूर ट्राई कीजिए।